नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनुराशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो, आप जिनके बारे में सोचते हो, क्या वो आपके बारे में क्या सोचता है, देखते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, सेवन ऑफ कप्स, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो पहले कंफ्यूजन में था, रिश्ते में परेशानी थी, लेकिन अभी रिश्ते में परेशानी नहीं है, रिश्ते की कंफ्यूजन ख़त्म हो गया है। उनको लगता है कि जो कंफ्यूजन पहले रिश्ते में था वो कंफ्यूजन ख़त्म करके अभी रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, और उनका प्यार आपके लिए है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है और उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है। वो पहले कंफ्यूज था, जब वो कंफ्यूज था तब उनको पता नहीं था कि रिश्ते, कौन से रिश्ते सही है या फिर क्या सही है या फिर आप दोनों में कितना प्यार है, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी ख़त्म हो गया है। अभी वो कंफ्यूजन को ख़त्म करके उनको पता चल गया है कि आपसे वो प्यार करते हैं और आपके प्रति उनका प्यार भी है, लेकिन अभी वो थोड़ा खुद को कंट्रोल करेंगे, खुद को थोड़ा रोकेंगे, आपको ये बताएंगे नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इस बारे में वो फिलहाल थोड़ा चुप रहना ही सही समझेंगे, क्योंकि पहले जो वो कंफ्यूज थे उनको पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है उनके पास बहुत सारा रिश्ता था, या फिर आप उनसे प्यार करते हो या नहीं इस बात की भी सच्चता की क्या बोलते हैं क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं था। अभी उनको सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गया है और वो आपसे प्यार करते हैं, ये बात उनको पता चल गया है और कंफ्यूजन भी ख़त्म हो गया है, लेकिन वो आगे चल के अभी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ी देर के लिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे। अभी देखते हैं आप खुद सजिटेरियस आपका क्या फीलिंग्स है। थ्री ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए ये रिश्ता एक आपका लाइफ टाइम बन गया है, ये रिश्ता हमेशा आपकी माइंड में रहता है 24/7। आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, आप इस रिश्ते से किसी भी तरह से निकल नहीं पाओगे, निकल नहीं रहे हो या फिर निकलना चाहते भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये रिश्ता आपकी दिलो दिमाग में इस तरह से घर कर गया है कि आप खुद चाहोगी भी तो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाओगी। इसीलिए आप चाहते हो रिश्ते में एक अच्छी सुधार आए, क्योंकि अभी आपको समझ आ गया है रिश्ते में क्या चाहिए, इसीलिए रिश्ते में अच्छी सुधार आए, आप लोगों में फिर से एक नया बॉन्डिंग हो और आप लोग अपने रिश्ते में विक्ट्री पाओ, आप लोग एक दोस्ती की एनर्जी से फिर से रिश्ते को शुरू करो। जैसा उनके पास भी कन्फ्यूजन था अभी नहीं है, वो भी क्लियर है, अभी आप भी क्लियर हो, आपको भी पता चल गया है कि आप चाह कर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं जा पाओगे और आप चाहते हो कि रिश्ते में हंसी मजाक हो, दोस्ती हो, घूमना फिरना हो, पार्टी शार्टी हो, आप लोग फिर से रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हो और रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो, नई तरह की शुरुआत चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि किसी भी तरह रिश्ता चले, आप इस बार रिश्ते को दोस्ती से चलाना चाहते हो, बचपना से चलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप उनको या फिर वो आपको एक बच्चे तोहफे में दे, मतलब बच्चों की माता पिता भी बनना चाहते हो, तो आप लोग आप खुश रहना चाहते हो। इन 72 घंटे में आपकी यही एनर्जी रहेगी कि
बच्चों की तरह बिहेवियर कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि वो आपको बच्चों की माता या पिता बनाए, आप चाहते हो उनकी बच्चों की माता पिता बनना, आप चाहते हो रिश्ते में हंसी मजाक दोस्ती रहे, आप चाहते हो रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं जा सकते। और इन 72 घंटे में आपका एनर्जी और आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, आपको पहले से ही सब कुछ पता लग जाएगा। हो सकता है आप लोग बहुत टैरो रीडिंग देखते हो, देखते देखते आपका इंट्यूशन जो है वो हाई होने लग गया है। अभी देखते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में, उनका एक्शन क्या रहने वाला है इन 72 घंटे में, उनका क्या एक्शन रहेगा। द एम्प्रेस, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन 72 घंटे में वो कुछ भी करना चाहेंगे, वो चाहेंगे इस रिश्ते से गिव अप ना किया जाए, रिश्ते पे मेहनत किया जाए। इन 72 घंटे में आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपके प्रति, क्योंकि आपका जो रहन सहन, चाल ढाल, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी जो पोशाक, आपकी जो सुंदरता, ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपके तरफ उनको। और आपकी जो क्वालिटी है, आप में जो क्वालिटी है, एक किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करना, सबको एक साथ लेके चलना, रिश्ते को मेंटेन करना, पैसों को संभालना, घर को संभालना, ये जो क्वालिटीज़ है आप में, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, तो आप में जो इतनी गुड क्वालिटीज़ है, ये उनको बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्ट करता है। इसीलिए इन 72 घंटे में वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, वो रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, और वो ये भी चाहेंगे कि काश कोई ऐसा हो जाए कि उनके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाए और जो चाहे वो कर सकते हैं। एक्चुअली पूरे रिश्ते को वो अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। इन 72 घंटे में उनका एक्शन अगर मैं कहूँ तो उनकी माइंड में ये सारी चीज़ चलता रहेगा, और वो आपको सोच सोच के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और उनको लगेगा कि इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए, रिश्ते को सही तरह से चलाने के लिए जितनी मेहनत ज़रूरी है वो सारा मेहनत करने के लिए वो सोचेंगे, वो करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता बहुत जल्द सही हो जाए और आपके प्रति उनका जो प्यार है वो दिखा पाए, और ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनके तरफ से जो भी एक्शन वो लेते हैं वो फुलफिल हो जाए, वो सही हो जाए, और उनकी तरफ से ये लगे कि हाँ ये मैंने कर दिया, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये सारा रिश्ता मैं ही सही कर सकती हूँ या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें रहेगा और वो रिश्ते के बारे में ही सोचेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड, हीलिंग कीजिए, द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हो, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, तो बेशक कीजिए, खुद को हील कीजिए, रिश्ते को दोबारा एक मौका दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। जैसा कि कार्ड आया था कंफ्यूजन का, देखिए यूनिवर्स जी की गाइडेंस में भी टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जगलिंग का। हो सकता है आप पहले दो रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहे थे, या फिर आपके पास कुछ काम और भी कोई रिश्ता, मतलब घर वाले, कुछ भी जॉब, वो सब चीज़ों में हो सकता है आप रिश्ते को बांट रहे थे, तो अभी आपको सही चीज़ का परख होना ज़रूरी है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है, दो चीज़ों के साथ जगलिंग नहीं करना है, रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना है और खुद को हील करना है। सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बात यह है कि आप लोग खुद को हील कीजिए, पिछले बार जो गलती आप लोगों ने किए थे उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हो गया सो हो गया, फिर से नहीं,
उसे आपको सीख लेनी चाहिए, आपको याद करना चाहिए कि आप लोगों से पिछले वक्त क्या गलती हुआ था, तो उसको सुधारिए, रिश्ते को दोबारा से एक मौका दीजिए और जगलिंग के फेस में नहीं रहिए। जो भी डिसीजन लेना है एक सीधी और सहज डिसीजन लीजिए, कन्फ्यूज मत होइए। अगर आपका डिसीजन सही होगा तो आपका काम भी सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।